बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रयागराज से ये बड़ी खबर है। अतीक और अशरफ से पहले राउंड की पूछताछ खत्म हो गई है। पहले राउंड में तकरीबन 7.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। प्रयागराज के दुमनगंज थाने में पूछताछ की जा रही है दोनों से ही। रात करीब 1 बजे से शुरू हुई थी पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ का पहला दौर सुबह 8:30 बजे खत्म हुआ है। कुछ देर के आराम के बाद अब दूसरी टीम पूछताछ करेगी। दोनों को अलग अलग रखकर पूछताछ की जा रही है, यानी कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से दोनों को अलग अलग रखकर के पूछताछ हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर रात भर माफिया अतीक रोता रखा है। पूछताछ करने वाली टीम से कई बार कहा कि मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल गया, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। पूछताछ के दौरान अतीक ने कई बार कहा कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है। अतीक ने कई बार पानी भी मांग करके पिया है इस दौरान, तो अतीक कई बार वॉशरूम के लिए भी गया है। पुलिस टीम से कई बार पूछताछ कर पुलिस टीम कई बार ये भी पूछा है कि क्या मैं अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो पाऊंगा, तो अतीक अहमद जो कि अब रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहता है। ऐसे में पुलिस टीम आज अतीक और अशरफ को लेकर कई जगह छापेमारी भी कर सकती है। मोइन मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से अब अतीक अहमद से उसके भाई अशरफ से पूछताछ हो रही है, लेकिन इन सबके बीच एक जो अहम बात की एक माफिया अब ये कहता हुआ यहाँ पर नजर आया है मोइन के मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। देखिए, ये बात अतीक अहमद ने पहली बार नहीं कही है कि मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल गया है, बल्कि आपको याद होगा कि जब उसे गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था तब भी उसने इस तरीके का बयान दिया था कि मेरा सब कुछ पहले ही मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन अब मुझे रगड़ा जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के धूमनगंज थाने के बाहर। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं कि जो पूरा धूमनगंज थाना है ये छावनी में तब्दील है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के जो जवान हैं वो भी जो है थाने के बाहर इस तरह से डेरा जमाए हुए हैं यहां पर। और हमारे पास सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है उसके मुताबिक 11:15 बजे रात को अतीक और अशरफ दोनों को यहां पर लाया गया था। उसके बाद जो है रात 1 बजे उनसे पूछताछ शुरू हुई है और तकरीबन 7.5 घंटे तक पहले राउंड की पूछताछ हुई है। और सुबह के वक्त 8:30 बजे के आसपास, यानी अब से तकरीबन 1/2 घंटे पहले पूछताछ का जो पहला दौर है वो खत्म हुआ है। अब इसके बाद इन दोनों को कुछ देर आराम करने दिया जाएगा, उसके बाद जो दूसरी टीम है वो दूसरी टीम उनसे पूछताछ करेगी। वैसे पुलिस सूत्रों का यह दावा है कि पूछताछ में अतीक और अशरफ ने उमेश पाल शूटआउट केस को लेकर बहुत ढेर सारे राज उगले हैं, बहुत सी ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां दी हैं जो आने वाले दिनों में केस के ट्रायल के दौरान या साथ साथ पुलिस की विवेचना में बेहद अहम साबित हो सकते हैं। तो अतीक और अशरफ ने उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए ढेर सारे जो राज हैं वो उजागर किए हैं, बहुत सी अहम जानकारियां दी हैं। ये बताया है कि किस तरीके से आईफोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें कैसे अरेंज किया गया था, असलहे कहां से आए हुए थे, शूटरों से किस तरीके से संपर्क साधा गया था, कैसे शूटरों के साथ व्हाट्सएप कॉलिंग पर और फेस टाइम पर बातचीत होती थी, तो तमाम अहम जानकारियां पुलिस के हाथ लगी हैं। इन सारी जानकारियों को नोट डाउन किया जा रहा है और जो दूसरी टीम पूछताछ करने के लिए आएगी उसे पहली टीम के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो उसे हैंडओवर करेंगे ताकि वो उस पूछताछ को आगे बढ़ा सके। इस बीच ये जानकारी जरूर मिली है कि बेटे असद को लेकर अतीक अहमद रात भर इसी धूमनगंज थाने में रोता रहा, कई बार उसकी सिसकियां बंद गई, वो बार बार पुलिस की टीम से ये पूछने की कोशिश करता रहा कि क्या वो अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो पाएगा, बेटे का आखिरी बार दीदार कर पाएगा। और वो लगातार ये दोहराता रहा कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, और लगातार इसी बात की दुहाई देता रहा। तो पूछताछ में तमाम अहम राज उजागर हुए हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि पुलिस की जो टीम है आज अतीक और अशरफ को लेकर कई जगहों पर छापेमारी कर सकती है, तमाम अहम चीजें जो है वो बरामद कर सकती है, कई असलहे बरामद किए जा सकते हैं, खासकर उमेश पाल शूटआउट केस में जो असलहे थे उनकी बरामदगी की जा सकती है। इसके साथ साथ जेल में दिए गए बयान में अतीक और अशरफ ने जो दावे किए थे कि उनके पास बमों का जखीरा भी है तो उसको लेकर भी बरामदगी कराई जा सकती है। तो शाम के वक्त जो है किसी जगह पर लेकर के पुलिस की टीम जो है वो अतीक और अशरफ को जा सकती है, अलग अलग भी ले जाया जा सकता है। यानी कि पुलिस की कार्रवाई अभी रुकी नहीं है, अभी आगे और बढ़ेगी इस पूरे मामले में और अभी जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।